इसमें मैं ये कह सकती हूँ आपको कि हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो इतने डायनामिक हैं कि हर बढ़ते ज़माने के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, सीए के सिलेबस को चेंज किया है, कोर्स को चेंज किया है, पैटर्न को चेंज किया है, बच्चों के पढ़ने के तरीकों को चेंज किया है। अभी हाल ही में आप सुन रहे होंगे चैट जीपीटी सब जगह एआई है। उसी दौर में सीए इंस्टीट्यूट ने अपने आप को अपडेट किया है और सीए जीपीटी का एक फीचर लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर एक स्टूडेंट जब चाहे तब पता लगा सकता है कि पिछले सीए जीपीटी में क्रैक करके, वो टाइप करेगा कि मुझे पिछले 10 साल का पेपर पैटर्न चेक करना है या कौन सा प्रश्न आया था, तो वो आराम से उस सीए जीपीटी के माध्यम से घर बैठे बैठे उस ऐप के जरिए अपना सब सारी चीजें ढूंढ सकता है, पता लगा सकता है, अच्छी तैयारी कर सकता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स के लिए, सीए मेंबर्स के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे हम लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीपीटी लॉन्च किया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीपीटी में अगर मैं ऑडिट करते करते मुझे ये जानना है कि क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है या इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, फीफो, वेटेड एवरेज या जो भी तरीका मुझे जानना है, मैं उस जीपीटी में क्लिक कर कर सारी चीजें ढूंढ सकती हूँ। तो इंस्टीट्यूट इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो सीए फ्रेटर्निटी सीए मेंबर्स एज वेल। अभी हमारा जो पैटर्न रहता था वो मई नवंबर रहता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स को मौका ज़्यादा मिले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट्स की जो लिमिट्स हैं उसको, पेपर अपीयरेंस की लिमिट साल में जो होती है उसको बढ़ाया है और अब 4 बार कर दिया है। तो बच्चों को उससे बहुत फ़ायदा भी मिला है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है और तैयारी करने का और मौका भी एक इंक्रीज हुआ है इसमें।